नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप से चार हीरे की अंगूठियां गायब करने वाले बंटी बबली का मामला सामने आया। लखनऊ की ज्वेलरी शॉप पर सगाई के लिए अंगूठी देखने के बहाने से पहुंचे दो लोगों ने चार अंगूठियां गायब कर दी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में सुभाष चंद्र जैन की ज्वेलरी की दुकान है। इस दौरान उनसे एक व्यक्ति और महिला अपनी सगाई की बात कहकर हीरे की अंगूठी देखने आए। इस दौरान उन्होंने चार हीरे की अंगूठियां पसंद की। उन्होंने दुकानदार से शाम को पेमेंट देकर हीरे की अंगूठियां ले जाने की बात कही। इन लोगों के जाने के बाद जब सर्राफ व्यापारी ने अंगूठी का बॉक्स चेक किया तो उसमें से हीरे की चार अंगूठियां गायब थी। इसके बाद उन्होंने दुकान से बाहर जाकर जब महिला और युवक की तलाश की तो वे फरार हो चुके थे। सर्राफ व्यापारी सुभाष चंद्र जैन के मुताबिक हीरे की अंगूठियों की कीमत लगभग 5 लाख थी। ठगी का शिकार होने के बाद सर्राफ व्यापारी ने पुलिस से मामले की शिकायत दर्ज कराई। जैन ने बताया कि युवक युवती की उम्र 45 वर्ष और 35 वर्ष की लगभग थी। ये लोग अचानक से दुकान पर आए और सगाई की बात कहकर अंगूठी देखने की बात कही और फिर अचानक अंगूठी लेकर गायब हो गए। हमने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। डीसीपी नॉर्थ जोन रईस अख्तर के मुताबिक युवक और युवती सर्राफा की दुकान पर गए थे। वहां से सर्राफ व्यापारी ने हमें सूचना दी है कि उनके यहां से चार हीरे की अंगूठियां गायब हो गई हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।